सपा मुखिया अखिलेश यादव को रोके जाने पर सपाइयों में फूटा आक्रोश का ज्वालामुखी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर प्रयागराज जाने से रोकने के विरोध में जिले के सपाइयों में आक्रोश का ज्वालामुखी फूट पड़ा, जिसके बाद सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव की अगुवाई में मंगलवार को शहर के लालबाग चौराहे पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। मालूम हो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने जा रहे थे, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर जबरन रोक लिया, जिसके कारण सपा कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर के लालबाग चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मचारियों से सपाइयों की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शन के दौरान जिले के सभी सभा नेता व पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री कारगर रामपाल राजवंशी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी इलाहाबाद छात्र संघ के लिए वो इलाहाबाद जा रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट पर रोककर बिना नोटिस के बिना चेतावनी दिए रोका गया और उसके क्लब से जब हम सबको जानकारी प्राप्त हुई मीडिया के द्वारा तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर हर जनपद में मानी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में हम लोग जिले जिले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोकतंत्र बहाली की मांग करते हैं। महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं लोकतंत्र बहाल किया जाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चेन में आई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आज जिले जिले पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में हम लोग धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहा है।